नेहा, मुझे जॉब से निकाल दिया था। क्या? तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाती, लेकिन बहुत अरसा ये बात छुपी रह नहीं सकती। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक दूसरी फर्म से इंटरव्यू कॉल आई है, वहीं जा। तुम दुआ करना। चलते। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे पहले कि मैं आपके रिश्तों वाले राज भी यहाँ खोल दूं, यहाँ से चली जाए और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ दोबारा मत आए। बड़े पर निकला है तुम्हारे, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तुम सब लड़की है, तुम लोगों को मैंने ट्रेन किया, सब कुछ सिखाया समझाया, और तुमने ये धोखा दिया है मुझे, इसके लिए मुझे छोड़ दिया है। चलो वापस चलो, डबल सैलरी दूंगी मैं तुम तीनों को। नो मैम, हम यहाँ बहुत खुश हैं। नीलम हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, हमें यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, तुम सबको मैं देख लूंगी एक एक करके ना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। डन डन, जाए। क्या हुआ, थक गए हो? हाँ, लेकिन काम से नहीं। फिर सर, जो तुमने कसम खाई हुई है प्लीज उसे वापस ले लो। साथ की जिंदगी का मतलब है कि मेरी हार है और मैं एक हारी हुई जिंदगी नहीं जी सकता। साथ पे मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन उसको मार के तुम जेल चले जाओ मैं ये भी नहीं चाहता। उसको छोड़ दिया तो मैं मुतमिन नहीं रह सकूंगा। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो नहीं निकलेगा हाथ से। मिनट मिनट की रिपोर्ट है मेरे पास। कल वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। हमें क्या पता हो कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके कहाँ जाए, घर बदलने को, और हमें क्या पता होगा कि यार मैंने ऑफिस के एक गार्ड को उसके पीछे लगाया हुआ है, वो साय की तरह से उसका ताकुब कर रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ।
शुक्र है कि हम अपने घर में आ गए। अब हम दोनों सुकून से सोएंगे, है ना? मामा, मामा मेरी गन कहाँ है? साद, क्या हो गया बेटा? अभी तो आए, थोड़ा सुकून कर लो। मुझे कोई सुकून उको नहीं चाहिए, मुझे मेरी गन इसी वक्त मेरे हाथ में चाहिए। मैं जाके अनयान को अपने हाथ से मारूंगा। क्या हो गया है तुम्हें? तुम उसे मार दोगे तो खुद फंस जाओगे बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता मामा, मैं फंस जाऊं, मैं उसे जान से मार करी। सुकून। अच्छा ठीक है, तुम उसे मारना चाहते हो ना? फिक्र मत करो, मैं उसे मरवा दूंगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद साथ। ये क्या कह रही है मामा? आलियान इसी शहर में रहे और मैं इस शहर से किसी और मुल्क में चला जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे बताएं मेरी गन कहाँ है। बेटा अगर तुम उसके सामने चले गए, वो तुम्हारी ताक लगाए बैठा है और गन चल गई तो तुम्हें पता है क्या होगा? आई डोंट केयर, अगर मुझे मेरी गन नहीं मिली ना, मैं इस घर का एक एक सामान तोड़ दूंगा। मामा क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो? रिलैक्स। नहीं, मेरी गन तुम्हारे पास तो नहीं है? हाँ, तुम्हारी हालत देख के मुझे होश ही कहाँ था। तुम्हारी गन जरूर गार्ड ने उठा ली होगी। उस गार्ड को तो मैं जान से मार दूंगा। रुको साथ, कहाँ जा रहे हो? अच्छा रुको, ऐसे जाओगे? तुम ऐसा करो, रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। देखा मामा, ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप? मैं भी आता हूं। देखो बेटा, इसको ना आली के सामने नहीं जाना चाहिए। अगर गोली चल गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आंटी, मैंने तो उसे टालने के लिए बोला था, लेकिन वो तो आली की जान लेने के लिए तैयार है। नहीं बेटा, किसी भी हाल में उसे आली के सामने नहीं जाने देना, प्लीज। आंटी बस दो दिन, किसी तरह ये दो दिन गुजर जाए। मैंने परसों की टिकट बुक करवा ली है। सच कह रही हो तुम? जी मैं सच कह रही हूँ। लेकिन परसों के क्यों, कल के क्यों नहीं? मैंने ट्राई किया आंटी, लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं थी ना, इसलिए। या खुदाया, ये दो दिन गुजारना कितने मुश्किल हो जाएंगे, तुम्हें अंदाजा तक नहीं है इस बात का। मैं जानती हूँ, अगर इसने आली के खून से अपने हाथ रंग लिए तो फांसी के फंदे तक पहुँच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो।